एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज सुबह में मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी 9 बजे से अभी बज रहा है 8 और बच्चों का क्लास स्टार्ट होगा 9:30 से। तो मैं कल ब्लॉग नहीं स्टार्ट की थी, क्योंकि कारण था उसमें। कारण क्या था कि मैं कल पूरा दिन अपने घर का सामान लाने वगैरह के चक्कर में पड़ी रह गई, जो वहाँ से हमें सामान अपना लाना था। तो हाँ, कल मेरा कुछ सामान वहाँ से आया, बहुत सामान नहीं आया। तो उस वाले घर से मैं गई थी, तो मैं सोची आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग करूँगी, लेकिन नहीं हुआ। नहीं कि क्योंकि समय नहीं था और मुझे काम बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे मेरा जो मेन था, पापा जी का दीवान बेड देखिए जो था, वो ये आ गया है। तो ये थोड़ी पतली वाली है, तो इसीलिए मैं गेस्ट रूम में, आगे रूम में, पापा वाले रूम में करवा दी हूँ। ये चीज़ आ गया मेरे वहाँ से। और एक जो कूलर पापा जी का छोटा सा था, ये था, तो कूलर भी आ गया है। और चीज़ें आ गई हैं मेरी, छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी क्या बड़ी बड़ी, अभी मेरा बेड नहीं आया है। और एक बेड आ गया है जो मैं रूम में पीछे जा रही हूँ, तो यहाँ पे एक रूम और एक बेड आ गया है जो पापा जी के रूम में आगे पड़ता था। दिखाई दे रहा आप लोग को, ये देखिए बेड, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं मेरे, ये बड़ी ये छोटी टेबल लगा के, तो इधर से लोग पढ़े। और एक अलमारी भी आ चुकी, मम्मी जी की अलमारी आ चुकी है, ये दिखाई दिया हमने, ये देखिए अलमारी भी आ चुकी है। तो कुछ चीज़ें जो छोटी जो इस तरीके से आई है, अभी मेरा बेड और सब सामान, कुछ चीज़ें जो नहीं आई है। और क्या, वाशिंग मशीन भी मेरी आ गई है, वाशिंग मशीन, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। अभी तो वो कबाड़ा के भाव में पड़ा है इतने दिन से। हाँ बेटा, आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरा बाबू जो है कि सुबह से ब्रश करके नहा लेता है, ये देखे नन 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 कर रहा है। क्या करो भैया, क्या कर रहे हो बाबू? ये देखे साबुन लगा रहा है उसमें। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा, नहीं बताएगा बच्चा, बता दो क्या कर रहे हो। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सुबह बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। इस समय जो है कि सुबह सुबह ही ये नहाने का कार्य, ब्रश किया है, फ्रेश हुआ है, उसके बाद नहाने का भी कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है मेरा बच्चा। तो ये कई, और इसलिए मेरी वाशिंग मशीन भी आ गई। वाशिंग मशीन मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी है उसकी, कि जैसे लग रहा है कबाड़ा के भाव, एक महीने से वो इसे हवा हवा आधी तूफान चली थी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा हवा वगैरह थी, इससे अजीब सा हो गया। और मैं सब काम में इतना बिजी भी थी कि वाशिंग मशीन का केयर भी उस समय नहीं की थी। इतनी बुरी हालत में वाशिंग मशीन आया है, और उसका ऊपर का वो जो वो ड्रायर करने वाला है, सुखाने वाला, उसका का ढक्कन का जो शीशा होते हैं ऊपर से, ये टूट चुका है आने जाने में। और मेरी वाशिंग मशीन काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, 8 से 10 साल हो जा रहा है पुरानी है, 10 साल। तो जिसको वो मैं दिखा दे रही हूँ, ये देखिए, ये मेरी मशीन है जो मुझे अभी इसे साफ़ करना है। उधर सिलेंडर रखा हुआ है और बेड आ गया, तो यहाँ देखिए चौकी यहाँ पे निकाल के रख उठी है पापा जी की। और इसी तरीके से अब मैं चलूँगी तो वॉशिंग मशीन की सफाई करूँगी। और यहाँ पे एक बक्सा जो मम्मी का पहले का था, वो भी आया है, तो इसको भी अभी एडजस्ट करना है। तो मैं बक्से भी दिखाई दे रही हूँ उनको, ये बाल्टी उसी पे रखी हूँ, क्योंकि मुझे वॉशिंग मशीन साफ़ करना था। तो मैं बाल्टी में पानी लेके आई हूँ कि वॉशिंग मशीन इसी अपने पार्किंग में ही, ये मेरी पार्किंग है जो गेट है, देखिए यहाँ से ये पार्किंग है, इसे अंदर, तो यहीं पर मैं बैठ के साफ़ करूँगी। यहाँ एक फ़ैन लगाई हूँ, जिसे फ़ैन से मैं कुछ भी कर लेती हूँ, अंधेरा लग रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं, इसीलिए कल मेरा ब्लॉग नहीं स्टार्ट हुआ। आज ब्लॉग स्टार्ट भी अभी सुबह में की हूँ, क्योंकि पापा जी चले गए, ये भी चले गए, और कई काम ऐसा था जो मैं कर ली। क्या कर रही बेटा? तो नाश्ता वाला जो चीज़ें होता है 8 बजे तक, मेरा 8:30 बजे तक वो बना देती हूँ, क्योंकि जिसको करना हो, जहाँ जाना वो कर लेगा, सुबह ही बन जाता है। पापा जी जाते हैं 8 बजे, 7:30 बजे मैं बना देती हूँ। उसके बाद अभी मैं जस्ट चल रही हूँ अब वॉशिंग मशीन की सफाई करने,
और हमें दो जिसमें रखना जहाँ पे रखना मैं सोची हूँ वासी, यहाँ कूलर भी एडजस्ट कर दी हूँ, बट कूलर के लिए मुझे लग रहा है ये देखिए पानी है, ये देखिए कूलर है, इधर जो जगह है हमें लग रहा है यहाँ वाशिंग मशीन अट जाएगी। हाँ बेटा बोलिए क्या क्या कर रहे हो, तुम रगड़ो ऐसे खाली साफ लगाए हो, अच्छे से रगड़ो, तो इधर इधर वही सब हो रहा है। तो अब मैं चल रही हूँ यहाँ पे, आप लोग से सोची थोड़ी देर बातें कर लूँ, उसके बाद मैं कुछ करती हूँ। क्या चालू की, क्यों कूलर क्यों चालू की हो, बंद करो अभी, बंद करो कूलर, बंद करो अभी, सुबह सुबह ही कूलर की क्या ज़रूरत है, बंद करो। तो यही सब था, तो मैं अभी जस्ट यही सब काम कर रही थी, तो मैं सोची आप लोग से बातें कर लूँ। अब 10 मिनट बैठ के मैं बातें कर लेती हूँ आप लोग से, और थक चुकी हूँ। कल की इतना काम था कि मैं पूरा थक चुकी थी। और ये था कि एक भैया हमारे यहाँ बगल में रहते हैं, जो हमारे रिलेशन से उधर से ही आए हैं, उनके बच्चे थे कि सारा सामान बहुत अच्छे तरीके, हाँ गए थे सब्जी वाले भैया जो इधर सब्जी देते हैं, तो वो आ जाते हैं पूछने, जब से हम लोग आए हैं ना तो सब्जी वाले हैं जो दो एक टू नए आए हम लोग को जान रहे, तो वो आते हैं तो ज़रूर पूछ लेते हैं घंटी बजा के एक सब्ज़ी चाहिए कि नहीं चाहिए, कहते हैं ना आराम हराम हो जा रहा बैठना। और मैं पूरे दिन काम करते करते पूरा दिन बीत जा रहा है, जिससे मैं थक गई हूँ सच में। अभी मेरा बेड, मेरी अलमारी, मेरी कई चीज़ें, फिर देखो कोई आ गया, फोटो दिखाई दे रहा है, देखो ना देखो फोटो दिखाई दे रहा है, देखो मेरा मंकी माँ, मेरा हीरा, इतना ढेर सारा लगाया है पाउडर, मेरा सोना कितना ढेर सारा लगाया पाउडर, चॉकलेट भी आ गया, बच्चा सुबह सुबह भी नहाया है ना, इसीलिए सब आ गया, एकदम सुंदरी है कि इतनी सुंदरी बेटी है। अच्छा चंकी मेरा चंकी, अरे हम अपना वीडियो बना रहे हैं, इतना कुछ। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, अब किचन का कार्यक्रम स्टार्ट, अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ, और नाश्ता हो गया था, यहाँ मेरा सामान अभी सब रखना था, जो हमें एक मंगाना है स्टैंड, उस पर मैं सारे अपने डब्बा डिब्बी वगैरह ये सब चीज़ें रखूँगी, क्योंकि अभी तो किचन मॉडलर थोड़ा सा लेट होगा, समय होगा नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक लाऊँगी स्टैंड प्लास्टिक वाला जो होता है, जिसपे मैं सारा चीज़ रख सकूँ, और इसलिए अभी फैला हुआ है। तो यहाँ पे धीमे धीमे कोई भी काम जो होता है ना, तो धीरे धीरे हो पाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, चाय बना रही हूँ, तो अभी चाय पी लेती हूँ और कुछ देखती हूँ, ब्रेड वगैरह कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दाल चढ़ा के तब मैं बैठूँगी अपने वाशिंग मशीन को साफ़ करने, वाशिंग मशीन को साफ़ कर दूँगी, इसलिए अच्छे से साफ़ कर दूँगी, फिर मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी, जहाँ मैं कूलर दिखाई हूँ वहाँ पे ही कोशिश, क्योंकि मैं ऊपर रख सकती हूँ, ऊपर है बहुत जगह स्पेस है, बट इसलिए नहीं रखना चाहती कि मैं अगर नीचे काम भी करती रहूँ तो अपने मशीन को चलाती भी रहूँ, कपड़े डालूँ तो चल जाए। अब ऊपर रखने का मतलब ये होता है कि हमें स्पेशल ऊपर रहना होगा कि मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, टाइम निकाल के करना होगा, यहाँ पर रहने से ये है कि मैं काम करती रहूँगी, उसको भी हैंडल कर लूँगी, तो यही चीज़ है इसीलिए। तो देखिए कब तक क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो अभी एडजस्ट कर लेते हैं, तो आप लोग को जरूर दिखाएंगे, धीरे धीरे सिस्टम सब सही होगा, एक होता ना एक जल्दी से नहीं होता सारा सिस्टम सही, तो धीरे धीरे हो जाएगा सब। तो आज मैं वीडियो को अपने यहीं पे कर देती हूँ एंड, और मैं क्या भैया बाबू मेरा नहा धो के देखिए अच्छे से आर हो गया, वहाँ में मैं एक पर्दे जो बांधी वो दिखाई दे रहा अभी, क्योंकि वो रॉड नहीं लगा है पर्दे का, इसलिए मैं पर्दा नहीं टांग पा रही हूँ, मैं गई थी दुकान पे देख के आई हूँ पर्दा, लेकिन अभी थोड़ा सा कॉटन का ये चीज़ है ना कि जो कोरोना वायरस की वजह से बहुत लोग अभी लेना नहीं चाह रहे हैं, जो घर के भी कॉटन से लोग निकाल दे रहे हैं,
तो ये चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं सावधानी बरतने के लिए, तो हम भी कोशिश करते हैं, देखते हैं कब तक होते हैं, और यही सब था। तो मैं अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो वॉच करने वाले भी वॉच नहीं करते हैं, 1 से 2 मिनट करते हैं फिर हट जाते हैं। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें थी, तो मैं अब चल रही हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड करके और अपना काम करने। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।